नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या फिर मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ अल्टरनेटर प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाली हूं। हाउ डज इट फंक्शन ये मैं आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्कीमेटिक अरेंजमेंट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स का फॉर अ थ्री फेज अल्टरनेटर। ये तीन फेसेस है आर वाई और बी, तो ये थ्री फेज अल्टरनेटर हो गया। ये आइडेंटिकल करंट ट्रांसफार्मर पेयर्स हैं CT1 और CT2। CT1 मैंने एक साइड के करंट ट्रांसफार्मर्स के लिए टोटली मैंने उन्हें CT1 ले लिया। बंच ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स एट दी लेफ्ट साइड ऑफ द अल्टरनेटर उन्हें मैंने CT1 ले लिया। और जो राइट साइड में है अल्टरनेटर की जो राइट साइड में जो सारे करंट ट्रांसफार्मर्स हैं इन बंच ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स को मैंने CT2 ले लिया। तो ये पायलट वायर्स हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर है उनकी सेकेंडरी जो है वो स्टार में कनेक्टेड है दूसरे करंट ट्रांसफार्मर के साथ, मतलब आपस में ये दोनों जो है वो स्टार में कनेक्टेड है। अब आपको ये पता होगा कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर होती है ये होता है इसका सिंबल करंट ट्रांसफार्मर का। तो ये जो कॉइल बनी हुई होती है ये सेकेंडरी कॉइल होती है और जो ये अंदर से ये जो वायर जा रही होती है इसे हम प्राइमरी कॉइल लेते हैं। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो इसके राइट साइड वाली जो वायर इसके लेफ्ट साइड वाली जो वायर है उसे मैंने S1 ले लिया मतलब सेकेंडरी 1 और इसको मैंने S2 ले लिया सेकेंडरी 2। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी सेम किया है। तो इसका क्या मतलब है करंट कॉइल की जो सेकेंडरी वायर है S2 वो पायलट वायर्स के थ्रू करंट कॉइल CT2 की जो सेकेंडरी वायर S1 है उसके साथ स्टार में कनेक्टेड है। और ये जो S1 है करंट कॉइल की जो सेकेंडरी कॉइल S1 है और इसकी जो CT2 की जो सेकेंडरी कॉइल S2 है ये आपस में कॉमन इनका न्यूट्रल है, कॉमन पॉइंट जा रहा है जो कि न्यूट्रल से कनेक्ट हो रहा है तो कॉमन न्यूट्रल है इनका। अब रिलेज को देख लेते हैं। ये पायलट वायर्स हैं, तीन पायलट वायर्स हैं इसमें, ये रिलेज लगी हुई हैं तीन। जो रिलेज हैं वो पायलट वायर के मिडल में लगी हैं मतलब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पर लगी हैं पायलट वायर्स की। ये मिडल में लगी है रिलेज तीनों वायर्स के इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पर। इस इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पर जो वोल्टेज होती है वो ज़ीरो होती है। इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी वो ज़ीरो होगी, सेम इसमें भी। अब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट क्या होता है, सपोज़ कर लो कि ये जो है मतलब मिडिल में जो होता है ना उसे हम इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। ये जो सपोज़ करो ये वायर है इसमें 9 वोल्ट सप्लाई हो रही है, तो हमने क्या किया तीन पॉइंट ले लिए हैं A, C और B, ठीक है। इसको हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है तो जो VAC है वो 4.5 वोल्ट होगी और VCB 4.5 वोल्ट होगी क्योंकि हमने हाफ में डिवाइड कर दिया और टोटली 9 वोल्ट थी तो हाफ हाफ में करने के बाद 4.5 वोल्ट हो गया। तो VAC हमारे पास कितना है 4.5 वोल्ट और VCB हमारे पास 4.5 वोल्ट है, तो मतलब दोनों इक्वल है, VAC इक्वल्स टू VCB। तो अगर हमें C पॉइंट पर निकालना हो, इस मिडिल पॉइंट पर निकालना हो कि कितनी वोल्टेज होगी तो हमें माइनस करना होगा इन दोनों को। तो VAC माइनस VCB इक्वल्स टू ज़ीरो, VAC माइनस VCB इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज है। तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट जो है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो पोटेंशियल है वायर्स का वो इक्वल है। और हम रिलेज को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पर इसलिए भी लेते हैं ताकि जो हमारे जो करंट ट्रांसफॉर्मर्स हैं ना उन पर जो बर्डन है वो सेम पड़े, सेम बर्डन पड़े इन पर। आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या बर्डन पड़ता है इन पर। तो ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया। ये ट्रिप सर्किट है, आपको पता है ये क्या करता है, मतलब हमें रिलेज और ट्रिप सर्किट का क्या काम है कि ये आइसोलेट करती हैं जो हमारा फॉल्टी सेक्शन है उसको हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट कर देती है, सिस्टम को आइसोलेट करती है फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देती है हेल्दी सेक्शन से। तो ये काम है। यहाँ पे अर्थिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है और आप ये देख सकते हो कि हर एक फेज़ में दो करंट ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। आर फेज़ में दो करंट ट्रांसफार्मर लगे, वाई में भी, सिमिलरली बी में भी। तो हर एक फेज़ में ईच फेज़ में दो करंट ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। तो टोटल इस स्कीमेटिक अरेंजमेंट में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर के लिए इस स्कीमेटिक अरेंजमेंट में टोटल 6 करंट ट्रांसफार्मर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्कीमेटिक अरेंजमेंट इसका। अब मैं आपको इसका थोड़ा और ब्रीफ में बताती हूँ कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन रिलेज के बारे में बता देती हूँ। ये जो रिलेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिलेज होती हैं और ये अरेंज होती हैं इंस्टेंटेनियस एक्शन के लिए, मतलब जो फॉल्ट है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर हो जाए उसके लिए ये इंस्टेंटेनियस एक्शन के लिए अरेंज होती है ताकि फॉल्ट जो है वो एज क्विकली एज पॉसिबल क्लियर हो सके। सबसे कॉमन सिस्टम जो स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो सर्कुलेटिंग करंट प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करता है। सर्कुलेटिंग करंट प्रिंसिपल क्या है वो आपको आगे पता चलेगा।
दो टाइप्स के फॉल्ट अकर होते हैं अल्टरनेटर स्टेटर में, पहला फेस टू फेस फॉल्ट और दूसरा फेस टू अर्थ फॉल्ट। ये दो टाइप्स के फॉल्ट अकर होते हैं, फेस टू फेस और फेस टू अर्थ फॉल्ट। ये जो स्कीम है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इसमें हो क्या रहा है, प्रोटेक्टेड सेक्शन के दो एंड्स पर जो करंट है हम उसे कंपेयर करते हैं, प्रोटेक्टेड सेक्शन के दो एंड्स पर जो करंट है उसे हम कंपेयर करते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये जो करंट है दोनों एंड्स पर जो करंट है वो सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट अकर होगा, जैसे ही फॉल्ट की अकरेंस होगी, वैसे ही क्या होगा, जो दोनों एंड्स पर जो करंट है वो अनइक्वल हो जाएगा। प्रोटेक्टेड सेक्शन के जो दोनों एंड्स पर जो करंट होगा वो अनइक्वल हो जाएगा। अंदर फॉल्ट कंडीशन के अंदर जो डिफरेंस आया है करंट में, फॉल्ट कंडीशंस में जो करंट में डिफरेंस आया है ऑन द टू एंड्स ऑफ द प्रोटेक्टेड सेक्शन, तो सिस्टम कुछ इस तरीके से अरेंज है कि उस डिफरेंस को पास किया जाता है ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू, रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसके थ्रू पास किया जाता है। और रिले फिर आगे क्या काम करती है, अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर देती है और प्रोटेक्टेड सेक्शन को सिस्टम से आइसोलेट कर देती है। इस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन को हम मर्स प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम भी कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन इज ऑल्सो नोन एज मर्स प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर या फिर मर्स प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन सिस्टम, ये एक लौता प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है अल्टरनेटर स्टेटर को बर्न होने से। दैट प्रोटेक्ट्स अल्टरनेटर स्टेटर फ्रॉम बर्निंग थ्रू एटलीस्ट 80% ऑफ इट। अल्टरनेटर के जब स्टेटर डैमेज हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब फॉर अल्टरनेटर द मोस्ट सीवर आउटकम ऑफ फॉल्ट इज द डैमेज ऑफ स्टेटर। अब हम इसका ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। ये जो रिले कॉइल्स हैं या फिर ऑपरेटिंग कॉइल्स जो हैं, ये भी स्टार में कनेक्टेड हैं, स्टार कनेक्शन है इनकी भी। और इस फिगर को देखने के बाद, समझने के बाद ये पता चलता है कि ये जो रिलेज हैं ये कनेक्टेड है शंट में अक्रॉस ईच सर्कुलेटिंग पाथ, ईच मतलब हर एक सर्कुलेटिंग पाथ के अक्रॉस ये शंट में कनेक्टेड हैं ये जो रिले कॉइल्स या फिर ऑपरेटिंग कॉइल्स हैं। तो मतलब इस फिगर को हम सिंपलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो सिंपलर फॉर्म वाली जो फिगर है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसमें। तो ये सिंपलर फॉर्म है, फिगर वन में क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिले है वो कनेक्टेड है शंट में अक्रॉस ईच सर्कुलेटिंग पाथ, तो इसीलिए मैंने इसको शो करा है सिंपलर फॉर्म से कि ये शंट में कनेक्टेड है हर एक सर्कुलेटिंग पाथ में। तो अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या होगा, करंट जो होगा दोनों एंड्स पर, हर एक वाइंडिंग के दोनों एंड्स पर जो करंट होगा वो इक्वल होगा, और इसीलिए जो करंट्स होगी सेकेंडरीज में, दो करंट ट्रांसफॉर्मर्स की सेकेंडरीज में हर एक फेज में जो करंट होगा वो भी इक्वल होगा। हर एक फेज में जो सेकेंड ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर्स हैं इनकी सेकेंडरीज पर जो करंट होगा वो भी सेम होगा, वो भी इक्वल होगा। देयरफॉर देयर इज बैलेंस सर्कुलेटिंग करंट इन द पायलट वायर्स, इसीलिए जो सर्कुलेटिंग करंट जो होगा पायलट वायर्स में वो बैलेंस सर्कुलेटिंग करंट होगा, और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल्स, मतलब ये जो ऑपरेटिंग कॉइल्स हैं या फिर जो रिले कॉइल्स हैं R1 R2 R3 इनके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में। जब भी अर्थ फॉल्ट या फिर फेस टू फेस फॉल्ट अकर होगा तो ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट है वो इन ऑपरेटिंग कॉइल्स या फिर जो रिले की कॉइल्स है उनसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो रिले हमारी ऑपरेट करेगी टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। तो ये काम है और ये ऑपरेशन है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स का। तो आपने जो सिंपलर फॉर्म वाली जो फिगर थी वो देख लिया, उसे समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज कि अर्थ फॉल्ट अकर हुआ है फेज आर में, ये जो फेज आर है इसमें अर्थ फॉल्ट अकर हुआ है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेशन टू अर्थ। ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है, मतलब इंसुलेशन ब्रेकडाउन की वजह से अर्थ फॉल्ट अकर हुआ है, तो ये जो सिंबल है ना ये उसे शो कर रहा है उस फॉल्ट को, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेशन टू अर्थ। तो जो करंट है इस अफेक्टेड फेज वाइंडिंग में वो फ्लो करेगा कोर के थ्रू, और जो मशीन का फ्रेम है उसके थ्रू करंट जो है वो फ्लो करेगा अर्थ की तरफ टू अर्थ। तो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा थ्रू द न्यूट्रल अर्थिंग रेजिस्टेंस। तो जो करंट होगा दो इस फेज आर की दो करंट ट्रांसफॉर्मर्स के जो सेकेंडरीज है उसमें जो करंट होगा वो अनइक्वल हो जाएगा, और जो डिफरेंस होगा उन दोनों करंट का वो फ्लो करेगा कॉरस्पॉन्डिंग रिले में, मतलब अनइक्वल होने के बाद जो डिफरेंस आएगा ना उन करंट का वो कॉरस्पॉन्डिंग रिले के थ्रू फ्लो करेगा। और फेज आर की कॉरस्पॉन्डिंग रिले कौन सी है, R1। तो इस रिले के थ्रू जो हमारा डिफरेंस आया करंट का वो फ्लो करेगा रिटर्निंग वेयर द न्यूट्रल पॉइंट। कॉन्सिक्वेंटली जो रिले है हमारी ऑपरेट होगी टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट, मतलब रिले जो है हमारी ऑपरेट हो जाएगी टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, मतलब यहीं पे जो सिस्टम है वो सेफ हो गया हमारा, आइसोलेट हो चुका है। तो इस कंडीशन में ये कौन सी कंडीशन थी, जब हमारा फॉल्ट अकर हुआ है अर्थ फॉल्ट, ये कंडीशन जो है इसमें अर्थ फॉल्ट अकर हुआ है। अब सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं,
तो अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इमेजिन करिए कि शॉर्ट सर्किट फॉल जो है वो अकर होगा बिटवीन दीज टू फेसेस, मतलब वाई और बी जो ये दो फेसेस हैं इनके बीच में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर होगा, ये सिंबल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का है। तो होगा क्या, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इन दोनों वाइंडिंग्स के थ्रू और वीआर द न्यूट्रल एंड कनेक्शन, न्यूट्रल एंड कनेक्शन की तरफ। तो करंट जो होगा इन दोनों सेकेंड, इन दोनों सीटीज़ में और इन दोनों सीटीज़ की सेकेंडरीज में, मतलब इन दोनों सीटीज़ की सेकेंडरीज में और इन दोनों सीटीज़ की सेकेंडरीज में जो करंट होगा वो अनइक्वल हो जाएगा, और उनके अनइक्वल होने की वजह से उनका जो डिफरेंशियल करंट आएगा वो फ्लो करेगा थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिलेज। और वो रिलेज कौन सी होंगी जिनके, जिनसे डिफरेंशियल करंट जो है वो फ्लो करेगा, वो रिलेज होंगी R2 और R3, क्योंकि वाई फेस और बी फेस के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेज यही दोनों हैं। तो इनके थ्रू जो है करंट, डिफरेंशियल करंट फ्लो होगा और ये रिले क्या करेंगी, अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर लेंगी और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। द रिले देन क्लोजेज द कॉन्टैक्ट्स टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें क्लोज कर देगी। तो ये जो, ये दो कंडीशंस थी, पहली कंडीशन में हमने अर्थ फॉल्ट अकर हुआ था और दूसरी में क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर हुआ है। तो इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको ये जो सब कराया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लिमिटेशन भी कराऊंगी और मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर्स उसका मॉडिफाइड वर्जन कराऊंगी, और यहाँ पे बैलेंसिंग रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं हम वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और मर्स प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ अल्टरनेटर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है, हाउ डज इट फंक्शन ये भी मैंने आपको बता दिया। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको अपने किसी रिलेवेंट टॉपिक पर फर्दर वीडियोज चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।